हेलो सुपर हीरो फैंस, मैं आयु एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इवोल्यूशंस ऑफ बैटमैन। बैटमैन के कैरेक्टर को 7 लोग प्ले कर चुके हैं एंड 12 मूवीज एंड सीरीज आ चुकी है। सो इसका फर्स्ट सीक्वल आया था 1943 में बैटमैन, देन उसके बाद 1949 में बैटमैन एंड रॉबिन, फिर सीधे 17 साल बाद बैटमैन की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई जो कि 1966 में आई थी, जिसका नाम बैटमैन द मूवी था। इसके बाद 1988 से 1992 तक इस रोल को प्ले किया माइकल कीटन ने। 1995 में बैटमैन की डिफरेंट मूवी रिलीज हुई बैटमैन द फॉरएवर। 1997 में इस मूवी की सीक्वल आई जिसका नाम भी बैटमैन एंड रॉबिन था। के बाद क्रिस्टन टिल की बैटमैन ट्रिलोजी आई, इसमें पहली थी 2005 में आई बैटमैन बिगेंस, फिर 2008 की आई द डार्क नाइट और 2012 की आई द डार्क नाइट राइजेस। देन फिर इस रोल को प्ले किया बेन एफ्लेक ने मैन वर्सेस सुपरमैन एंड जस्टिस लीग में, फिर फाइनली 2022 में आई रोबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।